हेलो एवरीवन, दिस इज़ अनिल हेयर एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज अपने बात करेंगे स्टडी वीज़ा की। क्या स्टडी वीज़ा का प्रोसेस होता है, कितनी टोटल कॉस्ट लगती है अगर आप स्टडी वीज़ा अप्लाई करते हो, तो कहाँ से स्टार्ट करना होता है। स्टेप बाय स्टेप मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा ए टू जी जो भी इसके अंदर होता है, क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन आपको प्रिपेयर करने होते हैं और कब आपको स्टडी वीज़ा है वो फाइल करना चाहिए। ये भी अपने इसमें वीडियो में है जो कवर करेंगे ये टॉपिक्स। तो स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग ऑफ टाइम। तो सबसे पहला प्रोसेस जो आपको होता है वो पता ही, आपको माइंड सेट होता है कि आपने माइंड सेट करना है कि आपने जाना है या नहीं जाना है ऑस्ट्रेलिया या कनाडा, जो भी आप कंट्रीज जा रहे हो। बट एक चीज़ मैं क्लियर कर दूँ कि चाहे आप डिप्लोमा में अप्लाई करो, चाहे बैचलर में अप्लाई करो, चाहे मास्टर में अप्लाई करो, ये जो प्रोसेस है वो सभी के लिए सेम होता है। मैं सिर्फ स्टडी वीज़ा की बात कर रहा हूँ। तो सबसे पहले आपको, जब आपका माइंड सेट हो गया कि मैंने जाना है, देन आफ्टर क्या होता है कि स्टूडेंट प्रिपेयर करता है पीटी के लिए। देखिए, आपके पास ऑप्शंस होते हैं ओईटी, पीटीई, आइल्स। ऑस्ट्रेलिया में ये तीनों ही वैलिड है। इट्स अप टू यू कि आप कौन से में कंफर्टेबल हो, बट मैं पर्सनली सजेस्ट करूँगा कि आप पीटी के लिए जाइए, बिकॉज इट्स ईजियर इन कंपेरिजन ऑफ बोथ ऑफ देम। तो इसमें क्या होता है कि स्टूडेंट एक होता है वो हिंदी मीडियम से उठकर आता है, तो उसको एक्चुअल में इंग्लिश का लेवल नहीं होता। तो पीटी एक है, इजी है, और विद इन 2 से 3 मंथ, इट्स अप टू यू कि आपका आईक्यू लेवल कितना है, 2 से 3 मंथ में इजीली आपका क्या स्कोर आ जाता है पीटी में। और पीटी ओवरऑल ऑस्ट्रेलिया में एक्सेप्ट है, कॉलेज में, यूनिवर्सिटीज़ में, सभी यूनिवर्सिटीज़ है वो एक्सेप्ट करती है। तो कुछ स्टूडेंट्स को ये भी होता है कि पीटी एक्सेप्ट नहीं है, तो वो आइल्स के पीछे पड़े रहते हैं 2-2 साल। तो आपने क्या हुआ, जब आप क्लासेस ज्वाइन कर लिया आपने पीटी की, देन आपको पीटी का एग्ज़ाम क्लियर करना होता है। विद इन आप क्या करो, कोई भी कंसल्टेंट से उससे क्या डिस्कस करके रखो, और आपकी जो डॉक्यूमेंटेशन होती है वो प्रिपेयर करो भी। आपका जैसे ही फिनिश होता है तो आप क्या है स्टेट, अपनी जो फाइल है वो अप्लाई कर दो। स्टूडेंट गलती करता है यहीं पर कि उसको पता होता नहीं है, तो वो पहले पीटी क्लियर करता है, देन आफ्टर विजिट करते हैं वो, और उसके साथ क्या होता है कि वो 6 मंथ इजीली निकाल देते हैं, और उसमें क्या आपकी डॉक्यूमेंटेशन प्रिपेयर करने में आपके 6 मंथ निकल जाते हैं, और उस टाइम में क्या होता है कि आपका जो गैप आ जाता है स्टडी में। तो ये छोटी छोटी मिस्टेक्स हैं, उनको आप थोड़ा ध्यान में रखें। देन आफ्टर आपका पीटी का क्लियर हो गया, आप कोई भी एजेंट से कंसल्टेंट करो, जहाँ से आपको लाइक कंफर्ट लगता है, आप सेटिस्फाई हो कि हाँ ये यहाँ से मैं सेटिस्फाई हूँ, तो वहाँ से आप क्या है अपनी फाइल है वो अप्लाई कीजिए। देन आफ्टर चूज़ करो कि आपकी स्टडी क्या है, आपने प्लस टू किया है तो कौन सा आपका सब्जेक्ट था, उसके अकॉर्डिंग स्ट्रीम चूज़ करो। आपकी बैचलर है तो मास्टर, उसके अकॉर्डिंग चूज़ करो। एक चीज़ मैं और क्लियर कर दूं कि आपको ऑस्ट्रेलिया में हायर स्टडी के लिए अप्लाई करना होता है। आपको ये नहीं है कि आपने वहाँ पे बैचलर किया हुआ है तो आप यहाँ पे भी बैचलर के लिए अप्लाई कर दोगे। ये चलो ज़्यादा हो जाएगी लंबी वीडियो। देन आफ्टर मैं बात करूँ तो आपकी फ़ीस, देन आपको क्या, आपको अप्लाई करना होता है यूनिवर्सिटी में आपके ऑफर लेटर के लिए। आपने कोर्स चूज़ किया, कोर्स वो चूज़ करना जो पीआर लिस्ट में हो, आपको इन फ्यूचर क्या प्रॉब्लम ना हो। तो आपने कोर्स चूज़ किया और आपने क्या है एजेंट के थ्रू फाइल पुट कर दी यूनिवर्सिटी में, तो यूनिवर्सिटी आपको विद इन 1 मंथ, और कुछ यूनिवर्सिटीज़ होती है वो मोर देन 1 मंथ भी ले लेती हैं, तो आपको क्या है वो इशू करती हैं ऑफर लेटर। और कुछ यूनिवर्सिटीज़ ऐसी हैं लाइक लेवल 1 की जो यूनिवर्सिटीज़ हैं स्पेशली, उनके क्या है आपके जो ऑफर लेटर के भी वो चार्जेस लेते हैं, लाइक $100 वो क्या आपकी फ़ीस लेते हैं ऑफर लेटर इशू करने के लिए। देन आफ्टर आपने क्या, आपका ऑफर लेटर इशू हो गया, देन आफ्टर क्या होता है आपको फ़ीस पे करनी होती है अपनी, जो कि आपकी जितनी भी स्टडी की फ़ीस होती है वो डिपेंड्स कि आप कौन से कोर्स में चूज़ कर रहे हो। बट मैं एक आइडिया अगर आपको दे के चलूँ कि ऑस्ट्रेलिया का जो स्ट्रक्चर है लाइक फ़ीस का स्ट्रक्चर है वो आपको, मैं इंडियन रुपीज़ में बात कर रहा हूँ कि वो 7 to 10 lakhs हो सकता है, और अगर मैं ऑस्ट्रेलियन डॉलर में बात करूँ तो आपकी जो फ़ीस होगी बैचलर की और मास्टर्स की, तो आपकी वो 15,000 से लेके 15,000 आप ये मान के चलो भी मिनिमम होगी, और मैक्सिमम आपकी 25,000 तक आपकी क्या है वो जा सकती है। तो आप कन्वर्ट कर लेना, अगर आप जिस भी कंट्री से हो, आप इंडिया से हो तो आप उसके अकॉर्डिंग आप उसको कन्वर्ट कर लेना, अगर आप पाकिस्तान से हो तो उसके अकॉर्डिंग आप उसको क्या कन्वर्ट कर लेना। देन आफ्टर मैं बात करूँ, आपका फ़ीस हो गया, ऑफ़र लेटर ऑलमोस्ट फ्री होते हैं बट आपको फ़ीस पे करनी होती है। देन उसके बाद आप फ़ीस पे करते हो, तो मान के चलो कि आपका जो मिनिमम आपका फ़ीस हो गया वो 8 lakh 9 lakhs एजेंट आपसे पे करवाते हैं, बिकॉज आपको वो बोलते हैं कि लेवल 1 की यूनी में अप्लाई करो अदरवाइज़ वीज़ा नहीं आएगा। तो 7 to 9 lakhs आपकी क्या जो फ़ीस होगी। देन आफ्टर क्या होता है, देन आफ्टर होता है कि जब आपका, आपने फ़ीस कर दिया, उसके साथ आपको
जीटीई प्रिपेयर करना होता है। जीटीई क्या होता है? जेन्युइन टेम्प्रेरी एंट्रेंट। ये आपको मैं सिंपल सी भाषा में बोलूँ तो फंड्स होते हैं आपको जो अपनी स्टडी के लिए, लिविंग के लिए आपको क्या फंड शो करने पड़ते हैं। तो वो डिपेंड करता है आपकी स्टडी के अकॉर्डिंग, बट आपको मिनिमम 25 to 35 lakhs आपको क्या है फंड शो करने पड़ते हैं। 25 lakhs तो आपको एजेंट्स बोलते ही हैं कि 25 lakh आप फंड है वो शो करो अकाउंट में, बट वो रिफंडेबल होते हैं। जब आपका वीज़ा आ जाता है तो आप उसको निकाल सकते हो। 25 to 35 lakhs के आपके फंड हो गए। आपको यूनिवर्सिटी आपकी जीटी क्लियर करती है, सो वो टाइम ले लेते हैं, कभी कभी 1 to 2 months आपका इजीली टाइम है वो लग जाता है। देन आफ्टर मैं बात करूँ तो आपको क्या है, जब आपकी जीटी इम्प्रूव हो गई, जब आपकी जीटी अप्रूव हो गई और आपका क्या है आपने फ़ी डिपॉजिट करवा दी यूनिवर्सिटी में, देन वो आपको क्या आप एक सीओई रिलीज़ करते हैं। सीओई मीन कन्फर्मेशन ऑफ इनरोलमेंट। तो कन्फर्मेशन ऑफ इनरोलमेंट आपका ये मीन है कि आपने उस यूनिवर्सिटी में इनरोल कर लिया है और आपकी सीट है वो रिजर्व होगी, आपका एडमिशन है वहाँ पे पक्का हो गया है। देन आफ्टर क्या होता है, उसके बाद आपको मेडिकल करवाना होता है। आपको ऑस्ट्रेलिया के लिए आपको क्या है एक मेडिकल करवाना होता है, तो वो आप कोई भी एक लिस्ट होती है, सॉरी कोई भी नहीं, एक लिस्ट होगी जो आपके नियर बाई अप्रूव डॉक्टर होंगे, तो वहाँ से आप उनको करवा के उसमें क्या होती है एक हेप आई डी जनरेट होती है। हेप आई डी जनरेट करवा के अपने एजेंट से और आपकी क्या आपकी अपॉइंटमेंट लेके और वहाँ से मेडिकल करवा सकते हो। अगर उसकी मैं बात करूँ तो वो ऑलमोस्ट 10,000 rupees आपके लग जाते हैं उस मेडिकल के। देन आफ्टर आपका मेडिकल डन हो जाता है तो वो ऑटोमेटिक एम्बेसी को सेंड कर देते हैं। देन मैं उसके बाद बात करूँ तो उसके बाद का जो प्रोसेस होता है वो क्या होता है, आपकी हेल्थ कवर आपको पे करनी होती है। एज ए स्टूडेंट आपको क्या है ओवरसीज़ हेल्थ कवर आपको बाय करना होता है। तो उसका मान के चलो कि अगर आप सिंगल का बाय कर रहे हो 2 साल का मैं आपको बोलूं, तो उसमें आपकी कॉस्ट वो 1500 से 2000 तक आपकी इजीली आपको पे करनी पड़ती है। मतलब वही 80-90 हज़ार रुपये आपको क्या है पे करने पड़ते हैं। 1500 to 2000 ऑस्ट्रेलियन डॉलर्स की मैं बात कर रहा हूँ, वो अपने अकॉर्डिंग आप कन्वर्ट कर लेना। जब आप अपनी ओवरसीज़ हेल्थ बाय कर लेते हो उसमें काफ़ी ऑप्शंस है आपके पास, निब्बा है, बुप्पा है, मेडिबैंक है, ऑप्शंस हैं काफ़ी, जो आपको चीपर लगे आप वहाँ से बाय कीजिए। देन आफ्टर क्या हो गया, ये सब हो गया, तब आपको क्या आपकी जो फाइल है वो लॉज करनी होती है एम्बेसी में। उस टाइम आपको क्या एम्बेसी फ़ीस पे करनी पड़ती है, और अभी जो एम्बेसी फ़ीस है ऑस्ट्रेलियन की स्टूडेंट के लिए वो है $710 कुछ है, $710 जो आपको एम्बेसी फ़ीस है वो पे करनी पड़ती है। वही मान के चलो तो 40,000 Indian rupees हो गए, तो आपको 40,000 रुपये वो पे करने पड़ते हैं, वो आपके जो आपकी क्रेडिट कार्ड से आपको डिडक्ट करवानी होती है वो वाली पेमेंट। देन आफ्टर आपकी जो आप पे कर देती हो सब कुछ ये, देन आफ्टर आपकी फ़ाइल है वो लॉज होती है एम्बेसी में। जब आपकी फ़ाइल लॉज करते हो देन वो डिपेंड करता है आपकी फ़ाइल के ऊपर और वीज़ा ऑफिसर के ऊपर कि वो कितना टाइम लेते हैं आपकी फ़ाइल को क्लियर करने में। तो कभी कभी तो आपकी जो ऑटो जनरेट होती है वो विद इन 1 minute भी वीज़ा आ जाता है, बट यूजुअली जो इनका ऑफिशियल टाइम है वो ये बोलते हैं कि विद इन 25 days हम क्या अपना जो वीज़ा है वो ग्रांट करते हैं, स्टडी वीज़ा की मैं बात कर रहा हूँ। तो ये हो गया प्रोसेस। और इसके अलावा मैं एक चीज़ आपको और बताता हूँ कि अभी रिसेंटली आपने सुना होगा कि इन्होंने एक GST से कुछ ऐड किया है, इन्होंने GT को हटा के GST, इन्होंने GT आपको फंड्स तो शो करने ही होंगे बट उसके अलावा इन्होंने GST एक और चीज़ ऐड कर दिया GST में। तो इन्होंने क्या है GST ऐड कर दी। GST में आपको बताता हूँ कि GST है क्या, मैं एक ज़्यादा हो जाएगा डीपली बट मैं आपको सुपरफिशियली बताता हूँ कि GST एक इंटरव्यू कंडक्ट होगा और वो बोल रहे हैं कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग होगी और उसमें जो स्टूडेंट अप्लाई करता है फाइल उसका वीडियो लाइक इंटरव्यू लेंगे वो, और वो कुछ नहीं पूछते, जस्ट आपकी बेसिक थिंग्स, आपका कॉलेज नाम, आपका पासपोर्ट नंबर, डिटेल्स वगैरह, DOB और कौन सा कोर्स है, फ्यूचर पॉसिबिलिटीज़, ये सब कुछ आपको क्या है वो डिटेल में बतानी होगी, हेजिटेट होने वाली कोई बात नहीं है। और अगर मैं कॉस्ट मान के चलूँ टोटल अगर अपने ओवरऑल करते हैं तो आपका जो कॉस्ट है वो 12 lakh से लेके 15 lakh इंडियन रुपीज़ में आपकी जो कॉस्ट है वो आती है। 12 lakh से 15 lakh रुपये आपको एक स्टडी वीज़ा के आपको पे करने पड़ते हैं। जो ये फ़ीस मैंने आपको बताई है ये फ़ीस आपकी ओनली 6 month की होती है। ऑस्ट्रेलिया 6 month की पहले फ़ीस आपसे पे करवाता है, देन आफ्टर यहाँ पे आके आपको क्या है अलग से आपको 6 month की नेक्स्ट वाले की पे करनी पड़ती है। तो ये था एक ओवरऑल कि आप कैसे फाइल अप्लाई कर सकते हो ऑस्ट्रेलिया की। कोई ज़्यादा बड़ा वो प्रोसेस नहीं है। अगर आप कोई कंसल्टेंट हायर करते हो तो वो आपसे चार्ज लेते हैं 30,000-40,000, बट सम ऑफ आर फ्री, लाइक IDP है वो फ्री ऑफ कॉस्ट करते हैं आपकी फाइलिंग, और कुछ जो प्राइवेट एजेंट्स होते हैं वो 30,000-40,000 रुपये करते हैं। देन आफ्टर उसके बाद आपका जो आप
कैरी करते हो अपने साथ, मिनिमम 2000 तो आप कैरी करो एटलीस्ट, यहाँ पे आपको कुछ पता नहीं होता तो कुछ दिन आप सर्वाइव कर सको, एंड आपकी शॉपिंग, आपकी टिकट, वो सब करके आपका जो ऑलमोस्ट है वो 15 लाख रुपीज़ आपका जो वन टाइम की मैं बात करूँ एक स्टूडेंट वीज़ा अप्लाई करने और ऑस्ट्रेलिया में पहुँचने तक का आपका 15 से 16 लाख रुपये आपका जो खर्चा है वो टोटल आ जाता है। तो उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो से आपको एक कंक्लूजन मिल गया होगा कि अगर आप स्टूडेंट वीज़ा अप्लाई करना चाहते हैं, आप लाइक प्रिपेयर कर रहे हैं, सोच रहे हैं ऑस्ट्रेलिया आने के लिए, तो कितना टोटल एस्टिमेट होगा आपके जो एक्सपेंसेस का, तो आप पहले उसके हिसाब से क्या चल सको। और अगर मैं इसके बाद में बात करूँ डॉक्यूमेंटेशन की, तो डॉक्यूमेंटेशन में मेजर जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो आपको अकेडमिक्स लाइक 10th प्लस 2 अगर आपने बैचलर किया तो बैचलर, देन आफ्टर आपका पासपोर्ट, PT का आपका स्कोर, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके फाइनेंशियल्स लाइक ITR आपको चाहिए, मिनिमम 2 साल की आपको जो ITR है वो आपको शो करनी पड़ती है, ITR इनकम टैक्स रिटर्न जो आपके पेरेंट्स की फिल करते हो आप, वो आपको क्या है शो करनी होती है मिनिमम 2 साल की, और उसके अलावा आपकी अगर FD वगैरह बैंक में तो फंड के सोर्सेज हैं वो आपको दिखाने पड़ते हैं, और उसके अलावा वो कुछ ज़्यादा डॉक्यूमेंट्स नहीं मांगते लाइक बर्थ सर्टिफिकेट वगैरह, ये ज़रूरत नहीं पड़ती ज़्यादातर, बट लाइक एज ए सेफ्टी आप क्या उसमें ऐड कर सकते हो अगर आप चाहते हो तो। तो उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो से काफ़ी आपकी हेल्प होगी, एंड इफ़ यू गाइज लाइक दिस वीडियो सो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच।